हेलो वेलकम स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू रीड ड्रेन चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी इन 9th क्लास. इट इज़ 3rd चैप्टर. इट्स ओके. वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर ड्रेन सिस्टम, इंडियन रिवर्स, लेक एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए रिवर्स एंड लेक. It's okay. We will understand first drainage. Drainage क्या होता है? Drainage होता है जब हमारे पास rivers चलती हैं तो direct एक साथ पानी collect नहीं होता है. उस water का collection करने के लिए इधर उधर से छोटे छोटे streams आते हैं और उस stream से collect जब हो जाता है पानी तो वो रिवर्स में बह करके चलता है. इट्स ओके. इसके बाद में हमारे पास आता है ड्रेंज बेसिन, यानी कि वो एरिया जहाँ से वो छोटी स्ट्रीम आकर के रिवर्स बनाती है उस एरिया को ड्रेंज बेसिन कहेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटर डिवाइड अप होल्ड एरिया विच सेपरेट टू ड्रेंज बेसिन. वो एरिया जो अपनी ऊंचाई के कारण वाटर इस ड्रेन बेसिन का पार्टीशन कर देता है उसको वाटर डिवाइड बोलते हैं. इट्स ओके. नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा ड्रेन पैटर्न. ड्रेन तो हमने देख लिया, अब इसका पैटर्न अलग अलग पैटर्न के हमारे पास ड्रेन होते हैं. फर्स्ट हमारे पास है डेंट्रिक ड्रेन, सेकेंड टेरेलिस ड्रेन, थर्ड रेक्टेंगुलर ड्रेन और फोर्थ है रेडियल ड्रेन. इट मीन्स जो पानी का कलेक्ट होना होता है उससे पहले अलग अलग पैटर्न से पानी कलेक्ट होकर के आता है. वो पैटर्न फर्स्ट हमारे पास है डेंट्रिक ड्रेन. तो इसके अंदर हमारे पास जो पानी कलेक्ट होता है वो शेप ऑफ ब्रांचेस ट्री, ब्रांचेस की ट्री के शेप में हमारे पास कलेक्ट होता है. इस सिस्टम को ड्रेन डेंट्रिक ड्रेन बोलेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है टेरेलिस ड्रेन. इसका पैटर्न हमारे पास ये है, ये एक राइट एंगल के शेप में आकर के पानी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है. इसको टेरेलिस ड्रेन बोलेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर ड्रेन. रेक्टेंगुलर से ही आपको समझ में आएगा, रेक्टेंगुलर इट मीन्स रेक्टेंगल के शेप में. ये वाटर हमारे पास कलेक्ट होता है रेक्टेंगल के शेप में आकर के, तो उसके बाद में इस ड्रेन को रेक्टेंगुलर ड्रेन बोलेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है रेडियल ड्रेन. रेडियल ड्रेन इट मीन्स हमारे पास जो हिली एरिया है उसमें चारों तरफ से वाटर का कलेक्शन होकर के नीचे यहाँ आकर के और वाटर रिवर्स चल पड़ते हैं. तो इस प्रकार का जो कलेक्टलाइजेशन होता है उसको रेडियल ड्रेन बोलेंगे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा इंडियन रिवर. इंडियन रिवर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स. अब हिमालय रिवर्स को हम पेरिनियल रिवर भी बोलेंगे और जो पेनिनसुलर रिवर है उसको सीजनल रिवर बोलेंगे. अब हमें पता होगा, होना चाहिए कि हिमालय रिवर है वो उसको पेरिनियल रिवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्नोफॉल से चलती है और स्नोफॉल से इसके अंदर हमेशा इसमें पानी आता रहता है, यानी कि ये पूरे साल चलने वाली रिवर्स है, इसलिए इसको पेरिनियल रिवर बोलेंगे. उसके बाद में पेनिनसुलर रिवर वो होती है जो सीजनल होती है, सीजन के टाइम में इसके पानी होता है अन्यथा ये ड्रॉट होते हैं, तो उसके बाद में इसको सीजनल रिवर कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास इसमें एक जो रिवर चलती है उसकी शेप इस प्रकार से चलती है. अपर कोर्स, मिडल कोर्स, उसके बाद में मेनेंडर और नीचे हमारे पास यहाँ पे डेल्टा बनते हैं. तो हमारे पास ये जो इसका बीच का
एक यार चार्ट की तरह से जो चार चाप की तरह से जो बन रहा है उसको हमें मेनेंडर्स बोलते हैं। इट्स ओके। कई बार ये वाटर रेनफॉल के टाइम पे, सीजन के टाइम पे क्या होता है, इस पानी का थोड़ा सा जो अमाउंट होता है वो यहाँ तक पहुँच जाता है, और यहाँ तक पहुँचने के बाद इस एरिया में स्लोप हो जाता है। अब ये जो स्लोप एरिया है, यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो गया और बाद में इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये वाटर वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, और यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट हुआ है वो एक लेक बन गया, और ये जो लेक बनी है ये लेक बन गई हमारे पास से ओक्स के बो की लेक के शेप में। जो ओक्स होता है एनिमल, उसकी बो के शेप में ये लेक हमारे पास बन गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओक्स बो लेक। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा हिमालय रिवर। हिमालयन रिवर्स के अंदर मेन जो रिवर्स है वो इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, और नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र रिवर। अब जो गंगा रिवर, इंडस रिवर है, वो अभी मैं मैप की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट पहले आप इसके बारे में, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में स्टडी कर लीजिए। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी वो होती है जब जो छोटी छोटी रिवर्स आकर के इसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है, मेन रिवर में आकर के इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। अब ये जो जास्कर है, नुब्रा है, सोंक है और हुंजा, ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इट्स ओके। अब जो इंडस से रिवर है उसका वाटर पाकिस्तान में जाता है, और पाकिस्तान में जाने से हमारे पास उसका लेस अमाउंट मिल पाता है, इसलिए जब 1960 में एक ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और उस इंडस वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, उसी पे एक ट्रीटी की गई थी जिसको इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। उस समय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये ट्रीटी की थी। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है गंगा रिवर। गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी हैं वो ये हैं, ये जो रिवर हैं ये इसके साथ मिलकर के, ये नीचे हमारे पास जो पेंसुलर प्लेटू है उसके नॉर्थ डायरेक्शन में हैं और इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। उससे आगे हमारे पास आता है ब्रह्मपुत्र रिवर, दिबांग और लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आते हैं। तो अभी मैं मैप की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यस, ये मानसरोवर लेक है जो आज चाइना में पड़ता है, इसके साथ में यहाँ से इंडस रिवर चलती है और ये पाकिस्तान में जाती है। इसके नज़दीक से ही सतलुज रिवर निकलती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को क्रॉस करके मिठानकोट में जाकर इसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके साथ इन्वॉल्व होने वाली और जो इसकी नदी हैं वो रिवर्स हैं, वो है झेलम, विज, रावी और सतलुज, ये सारी यहाँ पे जाके इन्वॉल्व होके पाकिस्तान से और ये अरबियन ओशियन में आ जाते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास आती है बेटा गंगा रिवर। गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर है ये भी। यहाँ पे ये मानसरोवर लेक है, उसके नीचे से यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये चलती है। जब ये यहाँ से चलती है तो उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे अलकनंदा इसकी दूसरी ब्रांच है जो देवप्रयाग में आकर के इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ही आगे चलती है तो हरिद्वार में आकर के, यहाँ उत्तराखंड में हरिद्वार में आकर के ये प्लेन एरिया में क्रॉस कर जाती है, एंट्री कर जाती है, और यहाँ से निकल करके ये वेस्ट बंगाल में चले जाते हैं। इट्स ओके। इसकी लेंथ है वो 2500 किलोमीटर। अब जो हमारे पास गंगा रिवर है, ऊपर से इंडस रिवर है, हमने वाटर डिवाइड के बारे में पढ़ा था, ये वाटर डिवाइड है। तो यहाँ अम्बाला जो हमारे हरियाणा की एक सिटी है उसके इस साइड के डायरेक्शन में
इंडस वाटर डिवाइड का एरिया है और इस साइड में यही इसको वाटर एरिया को डिवाइड करने वाला एरिया यही अम्बाला है। इसके इस साइड का जो है उसको हमें गंगा प्लेन या गंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ इंडिया। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चलता है बेटा ब्रह्मपुत्र रिवर, जो ऊपर मानसरोवर लेक से निकलती है और इसकी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये चलती है ऊपर से, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यू की शेप में ये नामचा बारवा जो हिल है, इसकी रेंज है हिमालय माउंटेन की, यू की शेप में आकर के यहाँ एंट्री करती है और उसके बाद में ये बांग्लादेश में, और उसके बाद में आके हमारे पास गंगा रिवर्स के साथ मिल करके ये यहाँ एंट्री करते हैं। अब यहाँ जो आसाम है, इस आसाम के अंदर ये रिवर है, ये अपने वो जो माजोली रिवराइन इसलैंड है वो बनाती है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन द्वीप है ये, नदी के द्वारा बनाया हुआ। तो ये पानी हमारे पास यहाँ से बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में चला जाता है। यहाँ पे जब ये एंट्री करते हैं उससे पहले ये डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है जब ये रिवर अपने साथ सेडिमेंट्री रॉक्स आते हैं, तो इसका जो एंट्री गेट है यहाँ से ये वाटर में इन्वॉल्व होने से पहले, इसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स से डिपॉजिट हो जाती है और उसके बाद में इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, छोटा छोटा पार्ट में इसकी ब्रांचेज की तरह से ये बढ़ जाते हैं, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, यहाँ इन्वॉल्व होने से पहले पानी जो कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है उस एरिया में डेल्टा बन जाता है, जहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स जमा हो जाते हैं। तो यहाँ सुंदरवन डेल्टा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ सुंदरी ट्री पाए जाते हैं, इसलिए इस एरिया का नाम भी सुंदरवन डेल्टा रखा गया। इसके अंदर रॉयल बंगाल रॉयल टाइगर्स रिजर्व है यहाँ पे। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ये, यहाँ से चंबल रिवर जा रही है। देखिए यहाँ इसका एरिया, ये हमारे पास डक्कन प्लेटू है और डक्कन प्लेटू में हमारे पास ये जो रिवर है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इट मीन्स यहाँ स्लोप एरिया है और यहाँ हाईलैंड है। अब ये हाईलैंड है तो हमारे पास ये चंबल रिवर इस डायरेक्शन में जा करके यहाँ, और यहाँ से बेतवा, यहाँ से सोन रिवर, यहाँ से छोटी जो रिवर है वो दामोदर रिवर है। यहाँ पे जो राजस्थान है वहाँ पे लूनी रिवर चलती है, जो एक के यहाँ सिंगल एक ही रिवर है राजस्थान में जो सीजनल है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इसको इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये तो हिमालयन रिवर है और ये हमारे पास से पेनिसुलर रिवर है। अब ये जो रिवर है ये सीजनल है और ये पेरिनियल रिवर है, क्योंकि ये तो हिमालय माउंटेन से इसका ओरिजिन होता है और उसके बाद में ये स्नोफॉल से चलती है, सारे साल पर पानी इसके अंदर रहता है। ये नीचे जो रिवर है ये सीजनल रिवर है। अब यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है, देखिए इस डायरेक्शन में यहाँ पे जो माही रिवर है ये करक के जो सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो पार्ट में डिवाइड करती है। यहाँ से हमारे पास साबरमती रिवर है, यहाँ से नर्मदा रिवर चलती है जो अमरकंटक से निकल करके यहाँ अम्पी से निकल करके गुजरात में जा करके और इसमें अरबियन ओशन में चली जाती है। इसके साथ में तापी रिवर चलती है, ये यहाँ पे इसके साथ साथ चलते हैं, ये सतपुड़ा के रेंज से निकलते हैं। यहाँ से हमारे पास से महानदी आ रही है, महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम बना हुआ है, ये इस एरिया में जा करके वे बंगाल में चली जाती है। मैक्सिमम जो ये रिवर्स हैं ये इस डायरेक्शन से निकल करके वेस्ट डायरेक्शन से निकल करके इस डायरेक्शन में चली जाती है। तो यहाँ से गोदावरी रिवर यहाँ जो नासिक है इसका महाराष्ट्र का, वहाँ से चलती है और इसके बाद में ये रिवर यहाँ पे जा करके इसमें बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। यहाँ से कृष्णा रिवर और नीचे ये कावेरी रिवर, तो कावेरी रिवर के ऊपर शिव समुद्रम वाटरफॉल है। अब यहाँ पे भी एक वाटरफॉल है जो धुआंधार वाटरफॉल है। अब ये जो सेकंड नंबर का इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है जो शिव समुद्रम यहाँ कावेरी रिवर पे बना हुआ है। इसके बाद में हमारे पास ये केरल के अंदर पेरिनियर रिवर है। इस साइड के जो डायरेक्शन के रिवर हैं वो बहुत ही लेस वाटर के है या फिर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और उसके बाद में ये छोटे छोटे रिवर्स हैं। इस साइड के जो डायरेक्शन के रिवर है ये हमारे पास कुछ लेंदी और स्लोप एरिया यहाँ से है, ये स्लोप है, ये हाई एरिया है, इसलिए इसकी डायरेक्शन इसी साइड में होती है। इट्स ओके। अब हमारे पास साउथ एरिया की जो रिवर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, मैंने मैप में आपको क्लियर किया है। अब आप ये देखें नर्मदा बेसिन, ये पेनिसुलर रिवर है, रिवर्स हैं पेनिसुलर रिवर है, इट मीन्स हमारे पास दक्कन प्लेटू में आने वाली रिवर्स हैं वो पेनिसुलर रिवर है।
अब यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है, फर्स्ट तापी रिवर है, गोदावरी बेसिन है, महानदी बेसिन है, कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन। अब हमारे पास ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की है पूर्णा, वृधा, परनहिता, मंजरा, बेनगंगा एंड पेनगंगा। ऐसे ही कृष्णा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी एंड भीमा। इधर कावेरी रिवर की अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। इट्स ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है, ये जो गोदावरी रिवर है इसको दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे पास ये जो गंगा है इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है और इस डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन में गोदावरी सबसे लार्जेस्ट है, इसलिए इसको दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये रिवर है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एमपी और महाराष्ट्र के एरिए के अंदर इरिगेशन के लिए या फिर ये कहेंगे वाटर की सप्लाई करने के लिए यूटिलाइज होती है। महानदी झारखंड उड़ीसा के अंदर, कृष्णा रिवर है ये नीचे हमारे पास कर्नाटक, तमिलनाडु नीचे है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एरिया कवर करती है। उसके बाद में कावेरी है वो कर्नाटक और केरल जो स्टेट है उसके अंदर वाटर की डेफिशिएंसी को पूरा करने का काम करती है। तो इनके अंदर वाटर डिवीजन करने के लिए बीच बीच में इनमें डैम बने हुए हैं जो वाटर का स्टोरेज का काम करता है और उससे वाटर सप्लाई होती है, इट मीन्स केनाल से वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम या दूसरी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए इनको यूटिलाइज किया जाता है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा लेक्स। We have two types of lake, fresh water lake and salt water lake. तो fresh water lake हमारे पास जो north India है उसके अंदर fresh water lake है विशेष करके। वैसे तो यहाँ राजस्थान में हमारे पास salt water lake भी है but maximum यहाँ पे fresh water lake है, क्योंकि यहाँ पे fresh water मिलता है और ये fresh water सारा हमारे पास mountain area से या rainfall से हमें gain करना होता है। दूसरा इस साइड का जो direction है वो ocean से cover है, ये landmass है, ये ocean से bound है। अब यहाँ पे जो lake मिलेगी वो सारी हमारे पास salt water lake के मिलेगी। अब हमारे पास यहाँ पे आता है बेटा, ये हमारे पास है उल्लर लेक। अब इसके साथ में ये उल्लर लेक हमारे पास फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है और दूसरी हमारे पास है यहाँ डल लेक। ये डल लेक है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो शिकारा होता है जो टूरिस्ट के लिए वहाँ पे लोग जाते हैं, टूरिज्म स्पॉट है और टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। टूरिस्ट वहाँ पे जाने के बाद उसमें शिकारा एक प्रकार से वोटिंग करना होता है जो कूड का बना हुआ होता है और उसमें वोटिंग करते हैं, तो यहाँ इस डल लेक में ही यूटिलाइज होता है उसका। यहाँ पर हमारे पास है नैनीताल और भीमताल, ये दोनों यहाँ उत्तराखंड में है। इसके बाद में यहाँ बारह पानी यहाँ पे मेघालय में है और लोकटक यहाँ पे मणिपुर में है। ये हमारे पास फ्रेश वाटर लेक है। अब यहाँ पे जो सांबर लेक है, ये सांबर झील से जो नमक आपके पास साल्टी इस एरिया में जो सेल करने के लिए आता है वो सारा लगभग यहीं से आता है। जो सांबर लेक है वो साल्ट वाटर लेक है। सीजन में इसमें पानी होता है, अन्यथा इसमें पानी नहीं होता, इसमें इट मीन्स रेनी सीजन में पानी होता है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे आते हैं ये पुलकित, कोलार और चिल्का लेक। ये चिल्का इसमें उड़ीसा में है, पुलकित और कोलार ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। ये हमारे पास लैगून लेक है। लैगून क्या होता है? लैगून वो होता है जब इसका टाइडल होता है इसके अंदर ओसिन में, टाइडल से वो वाटर है वो उसका या इस एरिया में वाटर जब पहुंच जाता है तो उसके बाद में यहाँ स्लोप एरिया होने के कारण वहीं स्टोर हो जाता है, और जब टाइड में वापस रिट्रीट होता है यानी कि वापस जब पानी जाता है तो यहाँ पे स्टोरेज हुआ वाटर वापस नहीं जाता और यहाँ पे रह जाता है, तो वो लैगून वाटर लैगून
लेक होता है, लैगून वाटर होता है, तो ये हमारे पास साल्टी वाटर है क्योंकि ये इसके साथ में समुद्र के साथ ओशन के साथ बनी हुई लेक्स हैं, इसलिए ये साल्टी वाटर के हैं। इनके अंदर नमक तैयार करने के लिए काफ़ी यूटिलाइज होता है, इरीगेशन सिस्टम के लिए भी ये जो लेक है ये पानी की डिफिशेंसी को पूरा करने में भी काफ़ी यूटिलाइज होती है। उसके बाद में हमारे पास आता है रिवर्स की यूटिलाइजेशन। तो रिवर्स हमारे पास क्या काम आती है, रिवर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारा इंडिया एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है और एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने के साथ साथ मानसून पे अगर डिपेंड होता है तो उसके अंदर कल्टीवेशंस इट मीन से प्रोडक्टिविटी कम होती है, इसलिए इनको इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इरीगेशन का काम जो केनाल से होता है मैक्सिमम हमारे पास हरियाणा पंजाब यूपी उसके अंदर इरीगेशन सिस्टम, इससे जो रिवर्स से कैनाल चलते हैं या रिवर्स से जो पानी आता है उसी से कनेक्टिविटी होने के बाद में हमारे इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है उसके अंदर इरीगेशन होता है। अब जो इरीगेशन के साथ साथ इसका और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हमारे पास इसी एरिया के अंदर है, यानी कि जहाँ पे रिवर्स होती है वहीं पे कनेक्ट है। अर्बनाइजेशन भी अनसीन टाइम पे देखें तब भी और अब प्रेजेंट टाइम में भी अनसीन टाइम से भी ही हमारे पास मैक्सिमम जो रेजिडेंस होता था लोगों का वो इसी रिवर्स के नज़दीकी होता था। ये सारी हमारे पास रिवर्स की इम्पोर्टेंस है और फ्रेश वाटर भी हमें रिवर्स ही सप्लाई करता है और दूसरा हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता है। रेन वाटर या फिर रिवर्स या फिर स्नोफॉल, इन्हीं से हमारे पास फ्रेश वाटर होता है।